ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं, जिनमें से हम लोग पहली 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को शेष 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि रही थी 1985 से 1990, ठीक है। अगर बात की जाए इसके मॉडल की, तो ये था आपका वस्तु मजदूरी मॉडल, ठीक। अगर बात की जाए लक्ष्य की, तो इसका लक्ष्य रखा गया था रोजगारों का सृजन, तथा कृषि में वृद्धि, ठीक। इसी योजना के तहत क्या हुआ, जो डाक विभाग है उसने अपनी स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की थी। तो डाक विभाग ने 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की। इसी के तहत विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था सेबी की स्थापना हुई। तो 1988 में सेबी की स्थापना, ठीक है। इसका काम क्या है, विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियों पर निगरानी रखना। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ, 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, और 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना शुरू हुई, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया। हिंदू वृद्धि दर हर पंचवर्षीय योजना में इसके बाद लागू की गई, और देखा गया कि हिंदुओं में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है जनगणना के तौर पर। तो इसी योजना के तहत क्या हुआ, प्रोफेसर राजकृष्णा ने इसे हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद क्या हुआ, 1990 के बाद 2 साल का आपका गैप रहता है अगली 8वीं योजना शुरू होने में। तो यहां पर 2 साल की वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो उन वार्षिक योजनाओं में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, देख ले रहे, एक दो बातें हैं मुख्य, वो देख ले रहे बस। इन वार्षिक योजनाओं में आपका 1990 में एक तो हुई सिडबी की स्थापना, ठीक, और 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहां पे लिखे लेते हैं वार्षिक योजनाएं कब से, 1990 से 1992, ठीक। तो इन्हीं योजनाओं के तहत क्या हुआ, 1991 में हुई सिडबी की स्थापना, ठीक, और 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू हुई, ठीक है। तो ये हो गई वार्षिक योजनाएं जो कि आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का जो गैप हुआ था उसमें लागू हुई थी। इसके बाद आती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका प्रमुख लक्ष्य था आपका मानव संसाधन विकास को आगे ले जाना, ठीक। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 8वीं
पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी चली थी 1992 से 1997। लक्ष्य क्या था इसका? मानव संसाधन का विकास। ठीक है, अगर मॉडल की बात की जाए तो इसका मॉडल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था, तो ये दिया था जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक है, तो जॉन डब्ल्यू मिलर ने इसका आपका मॉडल दिया था। ठीक, इसी योजना के तहत क्या हुआ, 1995 में भारत WTO का सदस्य बना था। तो 1 जनवरी 1995 भारत WTO का सदस्य बना तथा इसी के तहत 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके अभी तक पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे गए हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। तो ये हो गई हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब हम देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता था। ठीक, तथा इसका मॉडल जो है वो आगत निर्गत मॉडल था। क्या था, ज्यादा कुछ बात नहीं है नहीं नौवीं पंचवर्षीय योजना में, तो यहां पे लिखेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी रही थी 1997 से 2002। ठीक, मॉडल की बात की जाए तो था आगत निर्गत मॉडल। ठीक, लक्ष्य था इसका सामाजिक न्याय तथा समानता। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बातें हुई नहीं, बस एक चीज हुई थी इसमें कि आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के जो का जो लक्ष्य रखा गया था वो देखा गया। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, वो लक्ष्य में ही आ जाएगा आपका, आर्थिक समृद्धि। ठीक, और इसके अलावा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अब हम लोग देखते हैं दसवीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी रही थी 2002 से 2007। ठीक, इस योजना का जो मॉडल था वो था योजना आयोग, यहां पे लिखो मॉडल, मॉडल योजना आयोग का दृष्टि विभाग। ठीक है, इस योजना में बहुत सारे लक्ष्य रखे गए थे, जैसे शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, साक्षरता दर को बढ़ाना, वानिकी को बढ़ाना, और भी बहुत सारी चीजें रखी गई थी, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या था लक्ष्य में, अगर आप देखें तो शिशु मृत्यु दर कितनी, 45 प्रति हजार करने का लक्ष्य, मातृत्व मृत्यु दर 2 प्रति हजार करने का लक्ष्य, गरीबी प्रतिशत 26 से 21 प्रतिशत तक लाना, वानिकी ये था आपका 25 प्रतिशत तक लाना, इसके बाद है आपका एक चीज और थी, हाँ साक्षरता थी आपकी 75% करना। ठीक, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वानिकी को 25% तक लाने का जो लक्ष्य था वो किस योजना के तहत रखा गया, तो आपकी दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लक्ष्य रखा गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा कुछ नहीं था, जल्दी से देख ले रहा है, एक दो बातें थी प्रमुख। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है गरीबी तथा रोजगार,
बेरोजगारी के आंकड़े, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। गरीबी के आंकड़े, गरीबी कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ये सारी बातें जानेंगे। तो अब हम लोगों को पढ़नी है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी रही थी 2007 से 2012। ठीक, इसका भी मॉडल क्या दिया था, योजना आयोग का दृष्टि विभाग। देखिए, योजना आयोग का दृष्टि विभाग एक पत्र जारी करता था, उस पत्र में जो जानकारियां रहती थी उसी को हम लोग मॉडल मान लेते थे। तो यहां पर योजना आयोग का दृष्टि विभाग या पत्र भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था तीव्र समावेशी विकास। ठीक, इसी के तहत क्या हुआ, राष्ट्रीय कृषि नीति लागू हुई, ऋण माफी योजना शुरू हुई। कौन सा ऋण, कृषि ऋण। ठीक है, इसके अलावा कृषि बीमा योजना शुरू हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खाद्य सुरक्षा नीति लागू की गई। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा नीति किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 11वीं, और अंतिम परियोजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपको केवल वर्ष याद रखना है, बारहवीं पंचवर्षीय योजना ये थी आपकी 2012 से 2017। अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल दिया था योजना आयोग का पत्र कह सकते हैं, और लक्ष्य था इसका तीव्र समावेशी विकास। ठीक, इसकी जो विकास दर रखी गई थी, विकास दर का लक्ष्य वो रखा गया था 8%। प्राप्ति आंकड़े प्राप्त नहीं। ठीक है, विकास दर का जो लक्ष्य था वो 8% रखा गया था, हालांकि इसके आंकड़े अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए हैं। अच्छा, जो विकास दर का जो लक्ष्य है वो हर पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया था, ये हम आपको एक साथ अभी लिखवाए दे रहे हैं। ठीक है, तो याद कर लेना, कई बार पूछे गए हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। ठीक है, तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा क्यों ले रहा है, 6-6 लिख लो, 6 इधर हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दो कॉलम बनेंगे इसके, एक रहेगा आपका लक्ष्य कितना रखा गया और प्राप्ति कितनी हुई। ऐसे ही इसमें लक्ष्य कितना रखा गया और प्राप्ति कितनी हुई। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते, पहले का जो लक्ष्य था वो रखा गया था आपका 3.6, तो इसकी प्राप्ति थी, लक्ष्य रखा गया था 2.1। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसका लक्ष्य रखा गया था 4.5, प्राप्ति हुई थी 4.21। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था 5.6 था,
और प्राप्ति हुई थी आपकी 2.7। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.7 और प्राप्ति हुई थी आपकी 3.2। पांचवी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य था 4.4 और प्राप्ति हुई थी आपकी 4.8। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.2 और प्राप्ति हुई थी आपकी 5.4। सातवीं पे हम लोग पहुंचते हैं तो 5.0 लक्ष्य रखा गया था और 5.8 इसकी प्राप्ति हुई। आठवीं की अगर बात करें हम लोग तो 5.6 और प्राप्ति हुई थी 6.6। नौवीं की अगर बात करें तो 6.5 प्राप्ति हुई थी 5.5 की, ठीक है। दसवीं की अगर बात करें 7.9 प्राप्ति हुई 7.7। ग्यारहवीं का 9.0 प्राप्ति हुई थी 8.2 और बारहवीं का हमने आपको बताया है 8 और ये इसका भी आंकड़ा हम लोगों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये देखे ले रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं सफल रही आपकी, जिनमें प्राप्ति लक्ष्य से ज्यादा रहेगी वो सफल रही होंगी। तो देखिए एक तो ये नहीं सॉरी एक ये हो गई, इसके अलावा एक ये, इसके बाद यहां आठ, आठ के बाद बस, यानी सफल यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सफल पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी थी, 1, 5, 6, 8 4.5 ठीक है। असफल कौन सी रही थी, असफल रही थी आपकी 3, 4 2, 3, 4 ठीक। और इसके बाद यहां से आपकी हो जाएगी 2, 3, 4 हो गई और 9, 10, 11, 12 ठीक है, ठीक। तो ये आपकी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ आंकड़े थे, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगली आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गरीबी तथा बेरोजगारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।